बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी हाँ साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो जो ग्राम शिक्षा सचिव, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, तो साथियों जो उसका सचिव होता है वो कौन होता है साथियों? प्रधानाध्यापक होता है। जी हाँ साथियों, कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो दिया गया है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो सभी को पता है भैया राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है साथियों? इलाहाबाद में है। जी हाँ साथियों, कहाँ है? इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो राज्य जो हिंदी संस्थान है वो आपका वाराणसी में है। जी हाँ साथियों, राज्य हिंदी संस्थान की अगर बात कर लेते तो वो आपका वाराणसी में है। अगले प्रश्न की बात कर लेते कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है, तो आंग्ल भाषा जो शिक्षण संस्थान है वो आपका इलाहाबाद में है। जी हाँ साथियों, इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत, जो बौद्धकालीन शिक्षा होती थी उसके अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो प्रवज्जा संस्कार होता था। जी हाँ साथियों, कौन संस्कार होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया साथियों कि शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है, 2015 में साथियों पूछा भी गया है। जी हाँ साथियों, 2015 में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा साथियों की शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है, किसके? आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न बनता है कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, 2015 में पूछा भी गया है, तो क्या हो जाएगा? प्रकृतिवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रकृतिवाद हो जाएगा। अब देखते दोस्तों यहाँ से आपके जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो भी लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में खुले गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया, 2015 में पूछा भी गया है साथियों, 2015 में पूछा भी गया है। तो देखिए जातो, यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते तो इस क्वेश्चन की मैंने खोजबीन की साथियों, इस क्वेश्चन की मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह कथन, यह विचार किसने दिया, 2015 में पूछा भी गया। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पवन की गाइड पे पढ़ते हैं तब आपको वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर मिलेगा, अगर आप पवन की सीरीज मिलते हैं तो वहाँ पर आपको रूसो लिखा मिलेगा। क्लियर ना? आपको वहाँ पर रूसो मिलेगा पवन की सीरीज में, और अगर आप पवन की गाइड लेते हैं तो वहाँ पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ा सा गलत हो गया है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप टैगोर की प्रकृति को कितना महत्व देते, अगर आप ये क्वेश्चन जो है लघुत्तरी का है, अगर आप ये क्वेश्चन लघुत्तरी वाला उनका पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों वहाँ पर ये लाइन दी गई है, वहाँ पर ये लाइन दी, यानी कि प्रकृति और यानी टैगोर और प्रकृतिवाद जो दिया गया एक हेडिंग बनती है, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस लाइन को, वहाँ पर ये लाइन वहाँ पर लिखी हुई है, जिससे दोस्तों स्पष्ट होता है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में ही यह विचार किसने दिया था। तो यह विचार दोस्तों किसने दिया था? तो यह विचार दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रूसो का नहीं है ये। क्योंकि अगर आप देखिए, किताबें हैं अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप पवन की गाइड में जाइए और उसके लघुत्तरी क्वेश्चन को देखिए, वहाँ पर पढ़िए, तो वहाँ पर रविंद्रनाथ की परिभाषा में या फिर रविंद्रनाथ और प्रकृतिवाद में एक ये लाइन दोस्तों दी गई है, ठीक है, जिसके सामने दिया भी गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि छात्रों की गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ने की वकालत किसने किया, 2015 में पूछा भी गया है, तो जॉन डीवी हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? जॉन डीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि साथियों, अगला प्रश्न बनता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उसमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है, यह सोच विचार किसका है? तो यह सोच विचार दोस्तों जो है वो 2015 में पूछा गया, ये सोच विचार महात्मा गांधी का हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 2015 में पूछा भी गया है कि मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो फ्रॉबेल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो फ्रॉबेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है दोस्तों कि किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है, 2015 में पूछा भी गया, तो गिजुभाई बघेला हो जाएगा। ठीक है,
अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया, तो 2015 में लागू किया गया था साथियों, 2015 में पूछा गया है और लागू किया गया था 1969 को 2015 में पूछा भी गया दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम के तात्पर्य है, कार्यक्रम का तात्पर्य 2015 में पूछा भी गया, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा और शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना चाहिए, 2015 में पूछा गया है, तो बाल श्रमा, ठीक है, बाल श्रमा के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि इससे आपके बहुविकल्पी भी कंप्लीट हो जाता है, क्यों कंप्लीट होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको ये लाइन लिख दी गई उसमें से आपको बाल श्रमा 2, 3, 4 ऑप्शन को दे दिए गए आप सभी को, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता है बाल श्रमा तो आप राइट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और सभी साथी ध्यान देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से सभी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो फटाफट से। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं, जी हाँ साथियों किसके प्रभावी कारक हैं, 2015 में पूछा भी गया है, तो शिक्षा का हो जाएगा, या विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, या सबके साथ समान व्यवहार करना, वह सभी के बीच एकता बनाए रखना कहलाती है, 2015 में पूछा भी गया है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता, क्या हो जाएगा साथियों, शैक्षिक अवसरों की समानता, जी हाँ साथियों सभी साथी देख ले भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, हाई फाई स्टडी 94, बिल्कुल भी हाई फाई स्टडी और 94 के बीच स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। अगला हो जाएगा यानी विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेद भाव का कार्य करना या कार्य व्यवहार करना कहलाता है, 2015 पूछा भी गया है, तो लैंगिक समानता कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, लैंगिक समानता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया, 2016 में पूछा भी गया है, जी हां साथियों कब पूछा गया है, 2016 में पूछा भी गया है, तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 2016 में पूछा भी गया है, तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यानी प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो मोक्ष था, मोक्ष की प्राप्ति। टेलीग्राम को जरूर सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे भाई। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है साथी, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, 2016 में पूछा भी गया है, चार्ल्स पियर्स 1839 या 1914 में, चार्ल्स पियर्स, ठीक है, जन्मदाता यही है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है, 2016 में पूछा भी गया है, तो उत्तर में दोस्तों हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है, जी हाँ साथियों अगला प्रश्न बनता है कि बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी, तो बालकों को बाल देवोभव की संज्ञा जो थी वो गिजुभाई बाघेला ने दी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है कि मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि जो है वो कितने भागों में विभाजित है, 2016 में पूछा भी गया है, तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने की शिक्षा या पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 2016 पूछा भी गया है, तो कब पारित हुआ था दोस्तों, 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, जी हाँ दोस्तों 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, 2016 में पूछा भी गया है, यानी जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनानिकी और राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। ओके, अब यहीं से अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहां पर कि जल प्रदूषण, 2016 में पूछा भी गया है, जल प्रदूषण दूर करने के दो उपाय लिखिए, जल प्रदूषण को आपको दूर करने के दो उपाय बताना है, कौन कौन से दो उपाय हो जाएंगे सभी साथी भाई जल्दी से बताएंगे।
देखिए जल प्रदूषण जो होता है उसको रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला तो हो जाएगा यानी शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा हो जाएगा कि नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा हो जाएगा नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। उसके बाद हमारा चौथा हो जाएगा नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये हो जाएंगे दोस्तों जल प्रदूषण को रोकने के दो उपाय। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। 2016 में पूछा गया है, तो वर्ष 1986 में। जी हाँ साथियों, कब हो जाएगा? वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी का बनता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं। 2016 में पूछा भी गया है, तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। क्लियर। अगला प्रश्न यहीं पर बनता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2016 में पूछा भी गया है, यह साथियों 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया कि बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? पहला हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं चार मानवीय जो उल्लेख हो जाएंगे वो 2016 में पूछा भी गया, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारे दोस्तों की फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया। तो फ्रॉबेल द्वारा किंडरगार्टन, जो कि 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया, तो किंडरगार्टन द्वारा, ठीक है, कौन सी विधि? किंडरगार्टन। अगला हो जाएगा हमारा कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, 2016 में पूछा भी गया है। तो टैगोर को सत्यम, शिवम और अद्वैत की धारणा में विश्वास था। इन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानो, सुपरमैन कह लीजिए, माना, ठीक है। वे अद्वैतवादी थे। कौन थे दोस्तों? अद्वैतवादी थे। अगला हो जाएगा हमारा कि फ्रॉबेल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल की देखिए 2016 में पूछा भी गया, तो फ्रॉबेल की प्रमुख रचना कौन कौन सी? एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी रचना क्या थी? मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। क्लियर, सॉन्ग्स है। अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लघुत्तरी के अंतर्गत आता है, यानी जनसंख्या शिक्षा की कोई दो परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या शिक्षा की कोई दो परिभाषा कौन कौन सी? पहला हो जाएगा कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं, जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला हो जाएगा जनसंख्या और शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या और दूसरा शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कि अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझाने के लिए इनकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा कि राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेष करके छात्र छात्राओं का विश्व एवं परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनानकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। क्लियर, इत्यादि की जानकारी जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद सेकेंड हमारा हो जाएगा कि यूनेस्को के अनुसार क्या बताया गया, यानी जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थानों के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, और इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से हो जाएगा, जो कि 2016 में पूछा, देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन लगभग 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस 2015-16 में पूछे गए क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा जो बनता है वो बनता है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यानी दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसकी कोई आपको दो विशेषताएं लिखना है। तो कौन कौन सी विशेषताएं लिखते हैं? फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है।
यानी आमने सामने बैठ करके सर्वथा ये इससे भिन्न है। अगला हो जाएगा कि इस पद्धति में स्व अध्ययन, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी कहते हैं, पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप और हम, ठीक है, हमारे और आपके बीच में दूरस्थ शिक्षा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो एक YouTube के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से होता है। अब यहीं पर अगर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखे, 2016 में पूछा भी गया है। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है, और यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली, यानी यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। क्लियर? यानी रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो अज्ञात होती है, अप्रत्यक्ष होती है व अनौपचारिक होती है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, जो भी साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में हर एक क्लास के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें DLED के किसी भी क्लास के लिए। और सभी साथियों को बता दूं कि ये जो PDF आपको ये टेलीग्राम पे अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी साथी इसको भाई डाउनलोड जरूर से जरूर कर लेंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी भाई, सभी साथी इसको डाउनलोड भी कर लेंगे, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट से। और बहुत इंपॉर्टेंट PDF आप सभी के लिए, PDF को लेना तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ।